नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपीएससी नेट के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर मेरी ये चौथी वीडियो है और इसमें मैं आज जून 2008 के पेपर की चर्चा करूंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीतिक सिद्धांत इसमें पाया जाता है। तो ये है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सबसे पहले व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांत पाया जाता है। गुफा और परछाइयों का विचार किससे संबंधित है? यह है प्लेटो से संबंधित। प्लेटो ने गुफा और परछाइयों के उदाहरण से रियलिटी और मिथ्यापन को समझाने की कोशिश की। उन्होंने ये बताने की कोशिश की इसके द्वारा कि जो हमें दिखाई देता है वो चीजों की मात्र परछाइयां होती है, हम रियलिटी को देख ही नहीं सकते एकदम से। ठीक है, गुफा और परछाइयां प्लेटो ने दिया है। किसने कहा कि कुछ मनुष्य सक्रिय बल द्वारा वश में होते हैं और कुछ अन्य विधियों द्वारा? ये बोला था मैक्यावली ने, और ये मैक्यावली की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैक्यावली क्या बोलते हैं कि राजा को लोमड़ी और शेर की तरह अपनी चाल रखनी पड़ेगी। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा शातिर होते हैं उनके लिए राजा को शेर बनना पड़ेगा और दूसरों के लिए लोमड़ी की तरह भी वो काम चला सकता है। ठीक है, सुख दुख समाकलन, ठीक है, फेलिसिफिक कैलकुलेशन का प्रतिपादन किसने किया? फेलिसिफिक कैलकुलेशन का मतलब होता है कि सुख और दुख मापे जा सकते हैं। क्वांटिटेटिव सुख की बात की थी बेंथम ने। अंतर विरोधी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यह है थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन बुक लिखी है माओ ने। इन्होंने बताया है कि कैसे समाजवादी राष्ट्रों और पूंजीवादी राष्ट्रों के बीच कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अल्पसंख्यक मत की समस्या इनके द्वारा सुलझाई गई। अल्पसंख्यक मत की समस्या सुलझाई गई थी रूसो के द्वारा। अब ये माइनॉरिटी ओपिनियन इन्होंने कैसे सुलझाया? इन्होंने बोला जो जनरल विल है वो बहुमत का शासन नहीं है। ठीक है, जनरल विल बहुमत की विल नहीं है, जो जनरल विल है वो रियल विल का उदाहरण है। ठीक है, रियल विल को मिला के बनती है, और रियल विल अगर एक व्यक्ति की भी सही है, अगर एक व्यक्ति भी लोगों के कल्याण के बारे में सोच रहा है भले ही वो माइनॉरिटी में हो, तो हम उसको तरजीह देंगे, हम उसको प्राथमिकता देंगे। तो इस तरह से इन्होंने माइनॉरिटी ओपिनियन को, इसकी समस्या को सुलझाया था। क्वेश्चन नंबर 7, नोजिक स्वेच्छावादी था। बिल्कुल सही बात है, स्वेच्छावादी होता है नियो लिबरल। ठीक है, नियो लिबर्टेरियन था नोजिक। सही बात है, नोजिक ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और यथोचित संपत्ति का समर्थन किया। बिल्कुल सही बात है, स्वेच्छावादी, स्वेच्छावादी कौन होते हैं? नियो लिबरल थिंकर कौन होते हैं? जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए, ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर व्यवहारवाद में आदर्श मूलक तत्व शामिल है। उत्तर व्यवहारवाद में क्या है? आदर्श मूलक तत्व शामिल है। ईस्टन ने राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों की प्रासंगिकता को स्वीकार किया है। ठीक है, तो इसमें क्या है? उत्तर व्यवहारवाद में आदर्श मूलक, आदर्श मूलक तत्व क्या होते हैं? आइडियल तत्व क्या होते हैं? आइडियल तत्व में हमेशा मूल्यों को प्राथमिकता दी जाती है। आदर्श मूलक का यहाँ पे मतलब है जिसमें मूल्यों को प्राथमिकता जाए दी जाए, और इस तरीके के विचार अपनाए जाए कि क्या होना चाहिए, कैसे हम सोसाइटी को अच्छा बनाएं। तो यहाँ पे देखो, ईस्टर्न ने राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों की प्रासंगिकता को स्वीकारा। मूल्यों की प्रासंगिकता मतलब आदर्श मूलक। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित घटनाओं के घटने का क्रम बताएं कि कौन सी घटना कब घटी। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखिए, रशियन क्रांति 1917, अमेरिकन क्रांति 1776, फ्रांसीसी क्रांति 1789, और इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति
1688। तो 9 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बी, 4 2 3 1। अब 10वां क्वेश्चन में भी आपको मिलान करना है स्वेच्छावाद, लिबर्टेरियन लॉजिक, ठीक है। अभी पहले क्वेश्चन में भी आया था ये ना, उपयोगितावाद, उपयोगितावाद से जुड़े हैं बेंथम, सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी की बात करते हैं हेगल, हेगल ने राज्य की उत्पत्ति के 3 सिद्धांत बताए हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया, सबसे पहले व्यक्ति या परिवार जन्म लेता है सोसाइटी के अंदर, उसके बाद आती है सिविल सोसाइटी, और सबसे बाद में प्रतिवाद या सिंथेसिस के रूप में आता है राज्य। तो इसका 10 का करेक्ट आंसर यहाँ पे 10 का करेक्ट आंसर है ए, 3 1 4 2। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास को सामाजिक आर्थिक आधुनिकीकरण से स्वाधीन किया? लुशन पाई ने, लुशन पाई ने मॉडर्नाइजेशन को जोड़ा है इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट से। अभिजनों को सट्टेबाज और भाड़ाजीवी किसने कहा? अभिजनों को, अभिजन होते हैं आपके एलीट, एलीट जो शासन में होते हैं थोड़े से लोग, तो एलीट्स को सट्टेबाज और भाड़ाजीवी बोला है पैरेटो ने, क्योंकि जो अभिजन होते हैं वो सत्ता में आने के लिए घटिया से घटिया काम कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, संप्रेषण सिद्धांत में भावी परिणामों की भविष्यवाणी के जवाब में कार्य संपादन करने की योग्यता को कहते हैं? दोस्तों 3 साल से कंटिन्यू आ रहा है, आपने साथ में भी देखा था, पहले जून में भी आया था और दिसंबर में भी आया था, और ये यहाँ पे भी आ गया है। तो ये आपके लिए, आप सोच सकते हो कम्युनिकेशन अप्रोच कितनी इंपॉर्टेंट है। तो संप्रेषण, कम्युनिकेशन थ्योरी में भावी परिणाम, भावी जो आने वाले परिणामों के लिए बोलते हैं, अग्रगामिता, यहाँ आप हिंदी में समझ रहे हो इसको, इसको लीड बोलते हैं इंग्लिश में, अग्रगामिता मतलब आने वाले जो परिणाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने मिथ्या दबाव समूहों की बात की है? मिथ्या दबाव समूह, मिथ्या दबाव समूह की बात की है जॉन ब्लोंडेल ने, जॉन ब्लोंडेल। निम्नलिखित पुस्तकों में से डेविड इस्टन की कृति है अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया लिखी है आमंड एंड पावल ने, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस लिखी है रॉबर्ट ए डहल ने, और द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट कार्ल ड्यूश ने। क्वेश्चन नंबर 16, मैक्स वेबर के नौकरशाही मॉडल के व्यवहारवादी आलोचक है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने नौकरशाही की अप्रोच दी है, तो इनके आलोचक है रॉबर्ट मर्टन, एम क्रोजियर और कार्ल ड्यूश। इसमें एफ एफ जो फ्रेडरिक्स है, फ्रेडरिक्स पब्लिक एड से जुड़े हैं, इन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच दी थी और इन्होंने कहीं भी मैक्स वेबर की आलोचना नहीं की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा कथन ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के बारे में सत्य है? महारानी हमेशा कैबिनेट की सलाह पे काम करती है, बिल्कुल करती है। कैबिनेट सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल करता है। संसद किसी भी विषय पे कानून बना सकती है, बिल्कुल। न्यायालय कानून को असंवैधानिक उद्घोषित कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंग्लैंड में क्या है, संसद की सर्वोच्चता है, वहां पे न्यायालय की सर्वोच्चता नहीं है, न्यायालय के पास वहां पे जुडिशियल रिव्यू का कोई भी अधिकार नहीं है, इसलिए यहाँ पे फोर्थ गलत होगा, 3 सही है। तो इसका सही आंसर होगा 1 2 3, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, राजनीतिक सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियाँ कायम रखी जाती है, ठीक है, रखी जाती है और बदली जाती है।
बिल्कुल सही बात कर रहा है ये, रखी भी जाती है और बदली भी जाती है। परिवार, स्कूल, सम उम्र के समूह, रोजगार के दौरान अनुभव, जन माध्यम और राजनीतिक व्यवस्था के साथ प्रत्यक्ष संपर्क समाजीकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता है। यहाँ पे देखो, राजनीतिक समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, राजनीतिक संस्कृतियाँ कायम की जाती है। तो राजनीतिक संस्कृतियाँ, यहाँ पे इसी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, राजनीतिक संस्कृतियों के ऊपर, कि राजनीतिक संस्कृतियाँ कैसे कायम की जाती है, ठीक है। और नीचे देखो आप, कहीं भी राजनीतिक संस्कृति की बात नहीं की गई है। तो इसका क्या मतलब है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन दो, सेम यही है। अभिकथन, न्यायिक विवेचन की शक्ति का इस्तेमाल करने में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में यूएस सर्वोच्च न्यायालय ज्यादा शक्तिशाली है। बिल्कुल सही बात कर रहा है ये, ठीक है। यूएसए में जो जुडिशियल रिव्यू है वो ज्यादा शक्तिशाली है, और इंडिया ने जुडिशियल रिव्यू यूएसए से ही लिया है। यूएस सर्वोच्च न्यायालय विधि की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुपालन करता है। बिल्कुल इसका एकदम ये व्याख्या बिल्कुल सही कर रहा है इसकी, ठीक है। इसका कारण है ये, क्योंकि जहां पे विधि की उचित प्रक्रिया होती है ना, कि अब आप यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, इंडिया में क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित लगा है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो संविधान में लिखा है उससे बाहर कोई भी न्यायालय नहीं जा सकता है। संविधान के बाहर या कानून के बाहर ना तो कोई न्यायालय जा सकता है, ना कोई राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ठीक है। तो उसे बोला जाता है विधि द्वारा स्थापित क्रियाविधि, ठीक है। और यूएसए में क्या है, विधि की उचित प्रक्रिया। उचित प्रक्रिया का क्या मतलब है, अगर उनके संविधान में लिखा है कि अगर कोई 2 साल की लड़की से रेप करता है तो उसे 7 साल की सजा मिलेगी, ठीक है, उनके संविधान में अगर लिखा है। लेकिन उचित प्रक्रिया क्या है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने, किसी ने बच्ची का रेप किया है 2 साल की, और उसे बुरी तरीके से मारा भी है, ठीक है, तो वहां का कोर्ट क्या है, 7 साल की जगह 14 साल भी दे सकता है, अगर वो उचित समझे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपको मिलान करना है डॉयश, काल डॉयश। कार्ल डॉयश ने दिया है ग्राहिता या संग्रहण केंद्र की थ्योरी, ये थ्योरी आपको याद करनी होगी। रिक्स ने दिया है विकास का फंदा। पैरेटो ने दिया है प्रजातंत्र को भ्रष्टाचारी मशीनी राजनीति और गुंडागर्दी के साथ अभिन्न समझना, ये पैरेटो का ही सिद्धांत है। और हटिंगटन ने दिया है आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया, मॉडर्नाइजेशन आ बहुमुखी प्रक्रिया। तो 20 का करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिपक्ष त्याग कानून रखा गया है। देखो हिंदी में कितना टफ कर सकते हैं ये वर्ड को, तो आप समझ सकते हैं, ये है एंटी डिफेक्शन एक्ट, ठीक है, एंटी डिफेक्शन एक्ट। तो एंटी डिफेक्शन एक्ट रखा गया है 10वीं अनुसूची में, दल बदल विरोधी जो कानून होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट देता है, कौन वोट देता है, ठीक है, ये देते हैं संसद के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य, ये दोनों देते हैं। राष्ट्रपति में क्या है, मनोनीत सदस्य नहीं देते हैं, और संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सदस्य देते हैं राष्ट्रपति में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान में समाविष्ट नहीं है, संघीय शब्द संविधान में नहीं है। संविधान में आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मूल परंतु अपीले संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है, बिल्कुल गलत है, दोनों है। भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करता है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं करता है, भारत के न्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त करता है।
संघ और राज्यों के बीच विवादों के संबंध में एकमात्र क्षेत्राधिकार, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट बात की गई है। और मौलिक अधिकारों को लागू करना, तो तीन चार काम करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका सही आंसर होगा 3-4 B। क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान की पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है 2000 में, ठीक है, 2000 ईस्वी में, तो उस टाइम थे अटल बिहारी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 26, नीचे दो कथन दिए गए सेम। नेहरू ने कहा था कि किसी भी शासन की अधीनता स्वीकार करना मनुष्य और प्रभु के विरुद्ध अपराध है, बिल्कुल सही, उनकी ये कोटेशन है, सब व्यक्ति एक समान नहीं जन्मे, बिल्कुल गलत, वो तो सभी व्यक्तियों को समान मानते थे, तो इसका क्या मतलब है, ए सही आर गलत, ए सत्य आर गलत, इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 27, आर्थिक विकास संकीर्ण बंधनों के महत्व को गैर संकीर्ण आर्थिक बाध्यता द्वारा कम कर देता है, ठीक है, आर्थिक विकास क्या है, संकीर्ण बंधनों के महत्व को गैर संकीर्ण आर्थिक बाध्यता से कम कर देता है, सांप्रदायिक झगड़े ज्यादा से ज्यादा बढ़ गए हैं। अब ये तो दोनों इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, और ये इसको समझना आपके लिए जरूरी है। जो आर्थिक विकास होता है ना, अगर आपका आर्थिक विकास अच्छा हुआ है, भले ही आपकी सोसाइटी में बिल्कुल लो लेवल की, फॉर एग्जाम्पल आप शूद्र हो, ठीक है, शूद्र वैसे आज के टाइम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप शूद्र हो, लेकिन अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रोंग हो तो आपको क्या है, मतलब छूट मिलेगी समाज के अंदर, ठीक है, आपका उतना ज्यादा शोषण नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहां पे होगा बी। नीचे दिए कूट संकेतों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को कालानुक्रम रखिए, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है, ये केस लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, तो केशवानंद भारती केस, क्वेश्चन नंबर 28, केशवानंद भारती केस हुआ है 1973 में, ठीक है, 1973 में, और ये है आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे रिलेटेड है। गोलकनाथ केस हुआ है 1967 में, मिनरवा मिल केस हुआ है 1980 में, और सज्जन सिंह केस हुआ है 1965 में, तो इसका सही कालानुक्रम होगा सी, 4-2-1-3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का उद्भव, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी है 1906 के अंदर, लखनऊ समझौता हुआ है 1916 के अंदर, मोतीलाल ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1928 के अंदर, और कोमा गाटा मारू घटना हुई है 1914 के अंदर। यहाँ पे ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, कोमा गाटा मारू घटना, ये वो घटना है जहां से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, ठीक है, यही वो घटना है जहां से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, तो 29 का करेक्ट आंसर है यहां पे बी। क्वेश्चन नंबर 30, ये आपका 14वीं लोकसभा के सदस्यों की संख्या दी गई है, अभी जो हमारी करंट में चल रही है ये 16वीं लोकसभा है, ठीक है, 14वीं लोकसभा में महाराष्ट्र के 48 मेंबर हैं, ठीक है, पंजाब से 13, गोवा से 2 और सिक्किम से 1, तो 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए। क्वेश्चन नंबर 31, लोक सेवकों की नियुक्ति में निम्नलिखित अव्यवस्थाओं का सही कालानुक्रम क्या है, ठीक है, लोक सेवकों की भर्ती के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, विज्ञापन निकाला जाता है, विज्ञापन निकालने के बाद लिखित परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है, और इंटरव्यू के बाद ही आपको रिक्रूट किया जाता है, आपकी भर्ती की जाती है, तो 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए। क्वेश्चन नंबर 32, नौकरशाही शब्द
सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? ये किया गया था विंसेंट डी गोरेने के द्वारा। अब आप इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कितने ज़्यादा सस्पेंसिव है। मैक्स वेबर नौकरशाही से जुड़े हुए हैं, कार्ल मार्क्स ने नौकरशाही की आलोचना की है, और स्पेंसर थोड़े अलग है। ठीक है, संसद में बजट पेश करते समय कौन सरकार का प्रतिनिधित्व करता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री थैला लेके जाता है ना जो, तो वित्त मंत्री करता है प्रतिनिधित्व। भारत में किसकी सिफारिशों के आधार पर 1966 में लोकपाल की संस्था का सुझाव दिया गया? लोकपाल होता है ओम्बुड्समैन। स्वीडन कंट्रियों में से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में इसे बोला जाता है ओम्बुड्समैन। तो ओम्बुड्समैन का सुझाव दिया था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य संपन्न किया जाता है? वो क्या करते हैं? लेखा की परीक्षा करते हैं, जो अकाउंट होते हैं अकाउंट की परीक्षा करते हैं वो ना तो राष्ट्रीय लेखाकरण करते हैं, ना बजट की क्रियान्विति, और ना ही बजट को प्रस्तुत और पारित करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की परिलब्धियां व भत्ते लिए जाते हैं भारत की संचित निधि से। भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ न्यायाधीशों के, कैग के, और जितने भी आपके हायर पोस्ट पे लोग बैठे हैं जिनको कि स्वतंत्र रखना होता है। ठीक है, स्वतंत्र का मतलब है जिनके ऊपर संसद नियंत्रण ना कर सके, तो उन सभी के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं संचित निधि से, और संचित निधि होती है राष्ट्रपति के अधिकार में। नीचे दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारें राज्य वित्त आयोग नियुक्त करने के लिए बाध्य होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बाध्य होती है, उन्हें करना ही पड़ेगा। राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों को दी जाने वाली वार्षिक धनराशि का निर्धारण राज्य वित्त आयोग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारें राज्य वित्त आयोग नियुक्त करने के लिए बाध्य होती है, बिल्कुल बाध्य होती है, और यहाँ पे भी वित्त आयोग की बात की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 38, सब प्रकार के संगठनों के लिए प्रत्यायोजन प्रक्रियात्मक आवश्यकता है। इसका क्या मतलब है कि जितने भी प्रकार के संगठन है, जितने भी प्रकार के संगठन है उसके लिए प्रत्यायोजन और जो फंक्शनल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मुख्य कार्यपालक पर्याप्त शक्तियों के बिना प्रभावपूर्ण नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकता। यहाँ पे प्रत्यायोजन की बात की जा रही है, डेलीगेशन की। ठीक है, यहाँ पे डेलीगेशन की बात की जा रही है और नीचे पावर की बात की जा रही है, जो कि बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, आपने मैच करना है कि किस कमेटी ने क्या सुझाव दिए या किस लिए वो बनी थी। संथानम समिति, ठीक है, 39, संथानम समिति बनी थी भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए। ठीक है, ये बनी थी भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए। उसके बाद अगली है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति बनी थी पंचायती राज की दो स्तरीय व्यवस्था की, इन्होंने सिफारिशें की थी। कोठारी समिति बनी थी नव भर्ती की नीति और चयन के तरीके के लिए। और फलकान समिति को फुलटन समिति भी बोला जाता है, तो ये बनी थी ब्रिटिश सिविल सर्विस के पुनर्गठन के लिए। तो 39 का करेक्ट आंसर यहां पे होगा ए। क्वेश्चन नंबर 40, लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए हर्बर्ट ए साइमन का उपागम मैंने डाला है, वीडियो आप देख सकते हैं, व्यवहारवादी बिहेवियरल अप्रोच डाली है हर्बर्ट साइमन ने। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का कौन सा चैप्टर? राष्ट्रसंघ है जो 1919 में बना था। ठीक है, के प्रसंविदा के अनुच्छेद 16 का प्रतिरूप है। जो अनुच्छेद 16 था राष्ट्रसंघ का, वो है चैप्टर 7, जो कि यूएनओ का चैप्टर 7 है।
सॉरी ये चैप्टर पाँच है, चैप्टर पाँच 16 का प्रतिरूप है, चैप्टर पाँच। हैंस मोरगेंथो के अनुसार शक्ति के संतुलन के पैटर्न है, ये है सीधे विरोध का और प्रतिस्पर्धा का पैटर्न। या तो आप डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन में आओगे, डायरेक्ट आप उनका विरोध करोगे राष्ट्रहित को बढ़ाने के लिए, या फिर उनसे प्रतिस्पर्धा करोगे। समर्थन की बात कौन करते हैं? आइडलिस्ट, पारस्परिक विश्वास की भी आइडलिस्ट। तो हैंस जे मोरगेंथू है रियलिस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक और दो, ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित को उनके उद्भव के अनुसार कालानुक्रम कीजिए। सबसे पहले नेम, नेम बना है 1961 में और बेलग्रेड सम्मेलन भी 1961 में हुआ है। WTO बना है GATT की जगह, GATT, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड टैक्स एंड टैरिफ, ठीक है, उसकी जगह पे बना है 1995 में। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था आई है 1970 के बाद। और सेप्टा, सेप्टा 43, सेप्टा का मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि सेप्टा कब बना है, तो आप इसको एक बार चेक कर ले। इसका करेक्ट आंसर है बी, 1342। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित को उन्नत करने का उपकरण समझा जाता है? तो आज के टाइम में अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा राष्ट्रीय हित को बढ़ाया जाता है, कूटनीति द्वारा भी बढ़ाया जाता है। पहले युद्ध के द्वारा बढ़ाया जाता था, युद्ध करके राष्ट्रीय हित को, लेकिन आज के टाइम में अगर आप युद्ध करोगे आपका मतलब राष्ट्रीय हित बढ़ेगा नहीं, घटेगा, ठीक है। मत प्रचार प्रोपोगंडा के द्वारा भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ। निम्नलिखित में से कौन सा देश NPT का हस्ताक्षरी नहीं है? NPT के ऊपर भारत ने 1968 में हस्ताक्षर नहीं किए थे, ठीक है, और भारत ने CTBT के ऊपर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। सार्क का सचिवालय है काठमांडू में। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है यूरोपियन यूनियन। क्वेश्चन नंबर 48, शांति स्थापन प्रयास युद्ध स्थितियों को स्थिर कर देता है बजाय उसका समाधान करने के। शांति स्थापन का प्रयास UN चार्टर में जिक्र नहीं किया गया है, शांति स्थापन प्रयास का UN चार्टर में जिक्र नहीं किया गया है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये अगर यहाँ पे शांति स्थापन को नीचे डिस्क्राइब किया होता, इसकी अगर व्याख्या की होती, तो ये एकदम करेक्ट होना था और इसका आंसर होना था ए। लेकिन यहाँ पे शांति स्थापन की जगह UN चार्टर की बात की जा रही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, आदर्शवाद नहीं बल्कि राष्ट्रहित है जो देश की विदेश नीति को आकार देते हैं। रियलिस्ट, जो आपके रियलिस्ट थिंकर का ये विचार है, ठीक है। USA तानाशाह शासन प्रणाली का अक्सर समर्थन करता है। USA तानाशाह शासन प्रणाली का समर्थन इसलिए करता है क्योंकि इस तानाशाही प्रवृत्ति के कारण उसका राष्ट्रहित बढ़ता है, ठीक है। लोग मतलब दूसरे देश अमेरिका के सामने झुकते हैं, अमेरिका से डरते हैं, अमेरिका के ऊपर आक्रमण करने की नहीं सोचते हैं। तो आदर्शवाद नहीं बल्कि राष्ट्रहित जो देश की विदेश नीति को आकार देते हैं, बिल्कुल सही। US इसीलिए तानाशाही शासन का समर्थन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें आपने मैच करना है कि कौन सी घटना कब हुई। ताशकंद शिखर सम्मेलन लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर थे 1965 में हुआ है, ये भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। शिमला समझौता हुआ है 1971 में इंदिरा गांधी के साथ। पंचशील हुआ है जवाहरलाल नेहरू के साथ 1954 में। भारत अमेरिका परमाणु सहयोग हुआ है मनमोहन के काल में 2007 के अंदर। तो 50 का करेक्ट आंसर यहां पे होगा
सी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।